हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले टिकटॉक एप्लीकेशन के बारे में। यदि आप लोग टिकटॉक यूजर हैं तो आप गुड न्यूज है, टिकटॉक एप्लीकेशन इंडिया में फिर से वापस आ रहा है। कैसे आ रहा है आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे टिकटॉक एप्लीकेशन इंडिया में वापस आ जाता है तो हम लोगों को यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसा कि आप लोगों को पता है, टिकटॉक एप्लीकेशन इंडिया में बैन कर दिया गया है। इसका जो सर्वर होता है पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि 1% टिकटॉक एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। और साथ साथ पाकिस्तान और अमेरिका में भी वार्निंग दे दिया गया है टिकटॉक एप्लीकेशन को, बहुत ही पाकिस्तान और अमेरिका में भी बैन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे टिकटॉक एप्लीकेशन के ऑनर फैसला लिया है इस एप्लीकेशन को बेच दिया जाए। हाँ तो दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, टिकटॉक एप्लीकेशन इस कदार पे पहुंच चुका है कि बहुत ही जल्द इस एप्लीकेशन को बेच दिया जाएगा। और इस एप्लीकेशन को लेने के लिए अमेरिकन कंपनी कई सारे आगे आए हैं। यहाँ पे दो कंपनी काफी आगे आए हैं, नंबर वन एप्पल और सेकेंड नंबर में गूगल्स। तो इन दोनों कंपनी में देखते हैं कौन सी कंपनी टिकटॉक एप्लीकेशन को खरीदते हैं। खरीदने के बाद इस एप्लीकेशन को मॉडिफाई किया जाएगा और सर्वर को अमेरिका में ही रखा जाएगा। टिकटॉक एप्लीकेशन को $2.5 बिलियन में बेचा जाएगा। इसके बाद मॉडिफाई होने के बाद ये एप्लीकेशन फिर से आपको अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा। इसे अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा तो आपको पता है अमेरिका और भारत में काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध है, तो यहाँ इंडिया में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही जल्द ये देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत ही जल्द टिकटॉक एप्लीकेशन इंडिया में भी लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कि बैन जो है अनबैन हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, टिकटॉक एप्लीकेशन यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर टिकटॉक एप्लीकेशन पे बैन जो लगा है हटना चाहिए या फिर नहीं हटना चाहिए, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ में आपको बता देता हूँ, यदि टिकटॉक एप्लीकेशन वापस आ जाता है तो आप लोगों को इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे प्ले स्टोर पे टिकटॉक की तरफ काफी सारे एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है जो एक इंडियन एप्लीकेशन है, तो हम आप लोग को यही सजेस्ट करेंगे, टिकटॉक यदि यूज करते हैं तो टिकटॉक के साथ साथ इंडियन एप्लीकेशन भी आप लोगों को यूज करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि टिकटॉक एप्लीकेशन फिर से कब और किस टाइम बैन हो जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे टिकटॉक के साथ साथ इंडियन ऐप्स भी यूज करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिलहाल में जो सही वर्क कर रहा है, नंबर वन रोपोसो एप्लीकेशन जो है काफ़ी अच्छे खासे वर्क कर रहा है। इसके बाद इंस्टाग्राम रील्स एप्लीकेशन भी काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है। तो यहाँ पे इंडियन एप्लीकेशन की बात किया जाए तो दो एप्लीकेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन है, जो प्रॉब्लम पहले आ रहा था लेकिन काफ़ी सारे प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया है और धीरे धीरे इन दोनों एप्लीकेशन में अपडेट भी आ रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।